हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये टॉपिक किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, एमपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एक क्लास में इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें इस क्लास को चार क्लासेस में, इस टॉपिक को चार क्लासेस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में, वो होगा भारत के राष्ट्रपति। दूसरा जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। तीसरा जो हम लोग कवर करेंगे उस क्लास में, हम लोग कवर करेंगे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड सबसे लास्ट में हम लोग जो कवर करेंगे वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उस क्लास में उसको कवर करेंगे। तो आइए हम लोग आज जो फर्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, जो है भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ थोड़ा साइड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और यह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का भी सर्वोच्च सेनापति होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेना के अधिकारी जो हेड होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। संविधान के भाग यानी पार्ट या खंड, इसको आप बोले, संविधान में पार्ट होते हैं, खंड होते हैं, भाग होते हैं। उस खंड या भाग या पार्ट 5 के अनुच्छेद, जिसे आर्टिकल बोला जाता है, हिंदी में हम अनुच्छेद बोलते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, अनुच्छेद या आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं? राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, मंत्रिमंडल आएगा तथा महान्यायवादी भी शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद है। जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक शामिल है, इसके अलावा भी राष्ट्रपति को कुछ और अधिकार प्राप्त है। अगर आप सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में इसको शेयर जरूर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सब लोग इसका फायदा भी उठा सकें। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 52 जो इसमें लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल या अनुच्छेद 53 जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन करता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 54 या आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन है इस आर्टिकल में, प्रेसिडेंट इलेक्शन का वर्णन किया गया इस आर्टिकल में। उसके हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 55 की। तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेथड बताया गया है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी प्रेसिडेंशियल टर्म है। अनुच्छेद 57 यानी आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। अनुच्छेद 58 यानी आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ड्राइंग्स जो ड्राइंग टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। अनुच्छेद 59 यानी 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, जो भी उसके टर्म्स हैं प्रेसिडेंशियल टर्म्स का उसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया यानी प्रोसीड्योर ऑफ फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 62 यानी 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां यानी टाइम एंड मैनर ऑफ इलेक्शन टू फिल अ पर्सन इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 63 यानी 63 इसमें भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक पदेन सभापति होता है। वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द वैकेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। हम जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए, 6 महीने तक के लिए
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, तो इसका वर्णन आर्टिकल 65 में किया गया है। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि वाइस प्रेसिडेंट टर्म्स का इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन का वर्णन किया गया, इलेक्शन टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ यानी ओथ बाय द वाइस प्रेसिडेंट। और अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब अगर कोई आकस्मिक घटना घटती है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर देश के बाहर हो, बीमार हो, मृत्यु हो, कुछ भी घटना हो, तो जो डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट इन अदर कंटीजेंसीज में। अगला क्वेश्चन हम लोग अनुच्छेद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो भी कार्य रहते हैं, जो भी विवाद होते हैं, उसका निपटारा कौन करता है, तो उसका वर्णन आर्टिकल 71 में किया गया, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही करता है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई, द पावर ऑफ पार्डन का। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है, एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है यानी प्रोविजंस रिगार्डिंग मिनिस्टर्स हैं। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन यानी कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अनुच्छेद 78 इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं यानी ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। इसके अलावा राष्ट्रपति को और भी कुछ अधिकार प्राप्त है, कुछ इसके अलावा भी कुछ कर्तव्य है, कुछ अधिकार है, कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 86 यानी 86 आर्टिकल 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउसेस। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यानी प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस। अनुच्छेद 123 संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस टू द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि जब राज्यसभा या लोकसभा या दोनों में से कोई भी एक सदन नहीं चल रहा हो, तो उस समय जो भी एक कानून जो भी शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं। और राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 123 के तहत बनाते हैं, लागू करते हैं या कानून जारी करते हैं। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जो कंसल्ट करते हैं, जो परामर्श लेते हैं, वो आर्टिकल या अनुच्छेद 143 के अंतर्गत लेते हैं, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। इतने सारे आर्टिकल हैं जो 52 से लेकर 78 तक, और उसके बाद ये चार आर्टिकल। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं आते राष्ट्रपति से, ना ही इससे ज्यादा कोई अनुच्छेद होते हैं या आर्टिकल होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति का जो जो टॉपिक है, मेन मेन कौन कौन से आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 54 आप जिसे बोलते हैं। इसमें जो वर्णन किया गया है वो किसका वर्णन किया वो हम देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में पब्लिक के द्वारा चुनाव नहीं किया जाता है, मतलब डायरेक्ट चुनाव नहीं किया जाता है। जिस चुनाव में पब्लिक की भागीदारी होती है उसको डायरेक्ट या प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे हम लोग एमपी का चुनाव देते हैं, वोटिंग करते हैं, एमएलए का वोटिंग करते हैं, तो वो सारे जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट होता है यानी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब इसमें जो लोग शामिल होते हैं, सबसे पहले जो शामिल होंगे इसमें वो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित मतलब जो इलेक्टेड सदस्य हैं, जो नॉमिनेटेड हैं वो शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जो भी इसमें निर्वाचित हैं वही शामिल होते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदन के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और नॉमिनेटेड सदस्य शामिल नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड जो इलेक्टेड हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, वही शामिल होंगे। उसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य,
मतलब राज्य विधानसभा से जो सिर्फ निर्वाचित हुए हैं वो होंगे, जो नॉमिनेटेड हैं वो शामिल नहीं होंगे। और एक बार ध्यान रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलसीज यानी राज्य विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक और जो शामिल किया जाएगा वो केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब ये है कि संसद के राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के सिर्फ और सिर्फ कौन से सदस्य शामिल होंगे, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इसमें जो भी लोग नॉमिनेटेड होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्यसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों यानी अगर द्विसदनीय विधायिका के मामले, क्योंकि हर राज्य में द्विसदनीय नहीं है, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, जहां पे द्विसदनीय होगी, जहां पे राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होगा, उस मामले में के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत वो शामिल नहीं होंगे, मतलब विधान परिषद के कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि संसद के दोनों सदस्य राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, और इसमें नॉमिनेटेड सदस्य मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व ना हुआ हो। निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया विस्तार से बताई गई है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा क्रम से समझा जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसको एसटीबीएस की पद्धति कहा जाता है, की पद्धति लागू की जाती है, जो मूलतः यही सुनिश्चित करने के लिए है कि निर्वाचित उम्मीदवार आनुपातिक दृष्टि से सर्वाधिक लोगों की पसंद हो। इस पद्धति में सबसे पहले एक कोटा तय कर लिया जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति के मामले में 50% से अधिक मतों का है। यह कोटा चुनाव में वास्तविक रूप से कितने मतों के बराबर होगा यह निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला है जो इस प्रकार है। इसमें क्या फॉर्मूला लगाया जाता है? डाले गए कुल मतों की संख्या उसको डिवाइड कर दिया जाता है, कुल स्थानों की संख्या उसमें एक जोड़ दिया जाता है, और इस पूरे को जो डिवाइड करके जो भी आता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है, यही इसका कोटा होता है। इस पद्धति में प्रत्येक मतदाता को मत देते समय अपनी वरीयताओं का अंकन करना होता है, मतलब जो भी वोटिंग कर रहे हैं इसमें, जिन लोगों को वोटिंग करने का अलाउ किया गया है वो अपनी प्रेफरेंस डालेंगे इसमें कि कौन से राष्ट्रपति, अगर एक किसी राष्ट्रपति के चुनाव में 2 या 3 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, तो प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4 करके सब लोगों को उसमें वोटिंग करनी है, किसको आप प्रेफरेंस 1 में डालना चाहते हैं, किसको प्रेफरेंस 2 में डालना चाहते हैं, किसको प्रेफरेंस 3 में या किसको प्रेफरेंस 4 में डालना चाहते हैं, तो प्रेफरेंस आपको डालना पड़ता है। अर्थात उसे बताना होता है कि विभिन्न प्रत्याशियों के लिए उसकी वरीयता क्रम क्या है, मतलब उसका प्रेफरेंस क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है। हम इस जो प्रोसेस को आगे समझते हैं, कैसे इसको किया जाता है उसको हम आगे समझते हैं। अनुच्छेद 55(2) में बताया गया है कि सभी राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित विधायकों के कुल मतों का योग संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल योग के समतुल्य बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी। इस पद्धति के अनुसार सबसे पहले विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। ये मूल्य कैसे निकाला जाएगा? किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। विधायक का एक विधायक का मत का मूल्य कितना होता है? राज्य की कुल जनसंख्या उसको डिवाइड करते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, मतलब इसमें नॉमिनेटेड लोग शामिल नहीं है, सिर्फ निर्वाचित जो इलेक्टेड हैं, ठीक है, इनटू उसको गुना करते हैं इनटू 1/1000 से, मतलब 1/1000 से उसको गुना करते हैं, जो भी आएगा वो एक विधायक के मत का मूल्य होता है। इसी तरह से एक संसद के जो सांसद होता है, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, जैसे यहाँ पे विधायक की बात करें तो यहाँ पे कौन आएगा? एमएलए, इसको हम बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहाँ पर जब सांसद की बात करेंगे तो सांसद में आएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो
एक सांसद के मत का मूल्य इस प्रकार निकाला जाता है, एक सांसद का मत मूल्य होगा सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य, उसको डिवाइड करते हैं संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। अब यहां भी देख रहे हैं कि यहां पे भी निर्वाचित सदस्य का ही नाम लिया गया है, यहां पर नॉमिनेटेड सदस्य का नाम नहीं लिया गया है, ठीक है। यहां भी निर्वाचित की ही बात की गई है, नॉमिनेटेड का बात नहीं किया गया, जो मनोनीत है उसका बात नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे बताया क्या गया है, सभी विधायकों तथा सांसदों के मतों का मूल्य तय हो जाने के बाद जीतने के लिए कोटा निर्धारित किया जाता है। कोटे के अनुसार निर्धारित मत प्राप्त करने की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मतों पर आधारित होती है। अब ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, हम इसको एक टेबल के द्वारा आप समझेंगे कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, आसानी से समझ लीजिएगा, इसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान तरीका है। मतों पर आधारित होती है, यदि किसी भी उम्मीदवार को पहली वरीयता यानी पहली प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस में कोटे के लिए अपेक्षित मत ना मिले तो अंतिम आने वाले उम्मीदवार को पराजित घोषित कर दिया जाता है तथा उसे प्राप्त हुए प्रथम वरीयता वाले मतों का विभाजन उन मतों पर अंकित दूसरी वरीयता के अनुसार शेष प्रत्याशियों में कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक कि कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटा प्राप्त ना कर ले। निर्धारित कोटा प्राप्त करने के बाद उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है, मतलब जो भी एक कोटा होगा जब तक वो कोटा प्राप्त नहीं कर लेता तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। कोटा प्राप्त करने के बाद उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 55 में एक स्पष्टीकरण देकर बताया गया है कि विधायकों के मतों की गणना के लिए राज्य की जनसंख्या से आशय 1971 की जनसंख्या से है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में के माध्यम से प्रावधान किया गया था कि 2000 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। लेकिन आगे चलकर 84वें 84th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन अधिनियम आया 2001 के माध्यम से यह स्थिति 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है, मतलब 2026 तक के लिए जो सदस्यों की संख्या आप जो देखते हैं लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है, कि कितनी संख्या होगी ये 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है। चलिए अब हम देखते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। जैसे आप समझिए इसको आसान भाषा में, अगर चार लोग खड़े हैं, चार प्रत्याशी खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जिनका नाम मैंने A1 रखा है, एक हुए, दो हुए, तीन हुए और चार हुए, आप सभी लोगों ने वोटिंग करना शुरू किया, यहाँ पे वोटर्स के नाम है A, B, C, D, E, F, तो इसमें सारे वोटर्स आएंगे, जो लोग जो वोटिंग करेंगे सबके नाम आएंगे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए कुछ लोगों के नाम यहाँ पे ऐड किए। तो सब लोगों ने अपनी अपनी वोटिंग की। जैसे अगर बात करें वोटर्स ए का, तो इन्होंने A1 वाले को, जो इनका नाम ए था, जो राष्ट्रपति के लिए खड़े हैं, उनको पहली वरीयता दी। इनका जो दूसरा वरीयता यानी प्रेफरेंस था उन्होंने इन्होंने दिया है सी को, कि अकॉर्डिंग ए वोटर ए कह रहे हैं, जो वोट ए जो वोटर हैं उन जो वोट दे रहे हैं उनका कहना है कि A1 जो है वो पहले स्थान पे राष्ट्रपति बने, अगर A1 राष्ट्रपति नहीं बने तो दूसरे स्थान पे उनका चॉइस दूसरे स्थान पे C3 है, और अगर वो नहीं बने तो D4 बने तीसरे स्थान पे, अगर वो भी नहीं बने तब लास्ट में B2 बने, ठीक है, ये कहा जा रहा है। इसी तरह से सारे वोटर्स ने अपनी अपनी प्रेफरेंस को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो हम देखेंगे जब ये सारी वोटिंग हो जाती है तो फिर काउंट किया जाता है कि सबसे पहले प्रथम वरीयता फर्स्ट प्रेफरेंस किस राष्ट्रपति को दिया गया है। तो सबसे पहले काउंट करें अगर ए के बारे में, फर्स्ट वरीयता के बारे में, तो फर्स्ट वरीयता आप अगर देखेंगे तो A1 को सबसे ज्यादा मिली है, 1, 2 और 3, ठीक है। B2 में एक ही बार दिया गया है, B2 में एक ही बार है, और अगर आप C3 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक ही बार है, ठीक है, और D4 में भी एक ही बार है। इसका मतलब है कि A1 को फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिला, किसको मिला है, A1 को, तो ये रेस से बाहर हो गए, मतलब ये आप जो रेस में जो जीतने के लिए थे ये बाहर खड़े हो गए। अब तीन लोगों की बात आएगी, B2, B3 और D4 में बात चलेगी। तो अब हम देखेंगे प्रेफरेंस वन तो बाहर आ गए, मतलब अब ये चुनाव के दावेदार बन चुके हैं, मतलब बाहर आने का मतलब है कि आप इस रेस में जो लड़ाई हो रही थी ये अलग खड़े हो गए। A1 को पहला प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिले, A1 मैंने नाम रखा है राष्ट्रपतियों का, ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो A1 राष्ट्रपति का नाम है यहाँ पे। तो इनको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिला कितना, 1, 2 और 3, ठीक है,
तीन प्रेफरेंस मिला। अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस टू की। अगर आप देखेंगे तो ए वन को टू प्रेफरेंस एक ही बार मिला है और बी टू को टू प्रेफरेंस एक ही बार मिला है, बी थ्री में सी थ्री में सॉरी सी थ्री में सेकंड प्रेफरेंस एक ही बार मिला है और डी फोर में सेकंड प्रेफरेंस आप देखेंगे मैंने लाल भी कर दिया है, रेड कलर को कर दिया है, इसको दो बार मिला है। तो सेकंड प्रेफरेंस वाले जो है वो सबसे ज्यादा मिला है डी फोर को, सेकंड प्रेफरेंस किन्हें मिला है डी को, मतलब एक और दो। तो अभी क्या है कि दो लोग दावेदार हो गए ए एंड डी, कौन लोग हो गए ए ये वाले और ये वाले जो है राष्ट्रपति ये दावेदार हो गए, इनको तीन वोटिंग मिला है ए फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए और डी फोर वाले को सेकंड प्रेफरेंस के लिए दो वोटिंग मिली है। ठीक है, अब ये जो बी टू है और सी थ्री है ये रेस से बाहर हो चुके हैं, रेस में अभी दो ही लोग हैं ए वन और डी फोर, लेकिन ये रेस से बाहर नहीं, जाती जाती कुछ करके जाएंगे। यहां पर जो इनका लिखा गया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये जो सिंगल मतलब संक्रमणीय मत प्रणाली ट्रांसफरेबल सिस्टम में क्या होता है, अब हम सबसे पहले देखेंगे बी टू के पास जो बी टू बचे हैं बी टू और सी थ्री के पास प्रथम वरीयता कितनी है। अगर आप देखेंगे तो बी टू के पास सिर्फ एक बची हुई है और सी थ्री के पास सिर्फ एक बची हुई है, तो मतलब एक और एक दो, ये दोनों वरीयता इसमें ऐड कर दी जाएगी, इसके पास पहले से प्रथम प्रेफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, तीन प्लस दो पांच वोटिंग आ गई फर्स्ट प्रेफरेंस ए वन के पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो बी टू और सी थ्री के पास इन दोनों के पास दूसरी वरीयता कितनी बची हुई है, तो आप देखेंगे कि बी टू के पास दूसरी वरीयता एक बार है यहां पर और C3 के पास दूसरी वरीयता यहां पर जहां मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ये देखें आप एक बार यहां और एक बार यहां, दो वरीयता इनके पास है B और C के पास। तो इनका जो सेकंड वरीयता था सेकंड प्रेफरेंस था वो सेकंड वरीयता वाले उम्मीदवार को कन्वर्ट यानी ट्रांसफर कर दी जाएगी, मतलब एक प्लस एक मतलब क्या हो गया दो और दो चार। ठीक है, तो सब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे अधिक जो फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है वो किसे मिला है ए को मिला है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको कोटा बताया है, जो भी उसका एक पर्टिकुलर कोटा होता है वो कोटा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति विजेता घोषित होते हैं, उम्मीदवार विजेता घोषित होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने बताया है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर ए वन को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा और ये विजेता घोषित हो जाएंगे, ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे अनुच्छेद 71 क्या बोलता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय में कोई भी विवाद पैदा होता है तो उससे जुड़े जो भी विवाद होंगे उसका फैसला कौन करेगा, उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा ही होता है और उसका फैसला ही अंतिम माना जाता है। अगर उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी को राष्ट्रपति के रूप में अवैध घोषित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो इस घोषणा से पहले जो कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे वो वैध माना जाएगा। मतलब कि अगर राष्ट्रपति को जून महीना में जून 2021 में अवैध घोषित किया है, ठीक है अवैध घोषित किया है, तो जून से पहले इन्होंने जो भी कार्य किए थे अप्रैल में मई में, ठीक है जो भी कार्य किए थे वो सारे के सारे वैध माने जाएंगे और जून के बाद जो भी कार्य करेंगे या जुलाई में, ठीक है जो भी कार्य करेंगे सारे अवैध माने जाएंगे। ठीक है, तो ये बताया जाता है आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग। ये कुछ कुछ आर्टिकल है जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों कराए जाते हैं। अब अप्रत्यक्ष चुनाव की अगर बात करें, अप्रत्यक्ष चुनाव इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि राष्ट्रपति केवल एक नाम मात्र का कार्यकारी होता है। दूसरी बात यह है कि प्रत्यक्ष चुनाव में अत्यधिक खर्चीला भी होता है, इसलिए राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से कराए जाते हैं। कैसे कराए जाते हैं, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जिस चुनाव में पब्लिक की जनता की भागीदारी होगी, जहां हम लोग खुद से वोट करने जाएंगे उसे डायरेक्ट वोटिंग कहेंगे, डायरेक्ट चुनाव कहेंगे, और जहां पे जनता की भागीदारी डायरेक्ट नहीं होगी उसे अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला लाइन देखते हैं, अगले में क्या कहा जा रहा है। अगला बताया जा रहा है कि अर्हताएं और शपथ एवं शर्तें, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, शपथ कैसे लेंगे, उसकी शर्तें क्या, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा। तो सबसे पहला जो है वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, यानी वो एलिजिबल हो कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। चौथा है वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल
और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको क्लियर बता दिया गया है कि लाभ का पद क्या क्या नहीं होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा, इस प्रकार वह राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। अब देखिए, राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए जो लोग खड़े होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उसके लिए क्या क्या शर्त होगी। जो भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा हो उसके साथ कम से कम 50 प्रस्तावक होंगे। क्या होंगे? प्रस्तावक मतलब होता है प्रपोजर, ठीक है, तथा 50 अनुमोदक यानी अप्रूवर्स होंगे। प्रस्तावक का मतलब होता है कि सपोज करें आपके पास कोई लोग खड़े हुए, आपके मोहल्ले में कोई लोग खड़े हुए, तो 50 लोगों ने उनके लिए प्रपोजल दिया कि हाँ भाई ये इनको खड़ा होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए, इनको खड़ा होना चाहिए इस चुनाव के लिए। तो उसके साथ साथ 50 लोगों ने उसको एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ नहीं, इनको ही खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रस्तावक और अनुमोदक ये है कि पर 50 लोगों ने कम से कम, ये मिनिमम है, कम से कम 50, इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो 50 लोग प्रपोजल तथा यानी कि प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और आरबीआई में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। अगर उम्मीदवार, जो भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार है, कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग, याद रखिए कितना भाग, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी आता है, 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी जो जमा राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो वर्णन है वो आर्टिकल 60 यानी अनुच्छेद 60 में किया गया है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ क्या लेता है, शपथ में राष्ट्रपति क्या लेता है, वो बोलते हैं, मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाएगी। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को जो पद की शपथ है वो कौन दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस होंगे उनको वो पद की शपथ दिलाते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस वहां पे मौजूद नहीं होंगे तो उसकी उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अन्य किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वाह करता है, इसी प्रकार शपथ लेनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, अगर उपराष्ट्रपति उस टाइम में राष्ट्रपति का कार्य कर रहे हैं तो उनको भी इसी प्रकार का शपथ लेना होगा, तब वो राष्ट्रपति के जैसा कार्य करेंगे। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट में लिख लेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनका कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश एंड चीफ जस्टिस ग्रहण करेंगे। यही बात इस लाइन में बोला जा रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, मतलब अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें भी इसी प्रकार का शपथ लेना होगा। ठीक है, और उन्हें शपथ दिलाती, राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आर्टिकल 60 में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या होता है। सबसे पहले तो वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्याग पत्र देना होगा। अगर वो सदन या राज्य विधायिका का सदस्य है तो राष्ट्रपति बनने से पहले उनको उस सदन से त्याग पत्र देना होगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि लाभ का पद क्या क्या होता है। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास, आधिकारिक निवास मतलब जो राष्ट्रपति भवन होता है, जो आधिकारिक निवास है वो अलॉट किया जाएगा, उसके लिए उन्हें कोई भी पैसा देने, किराया रेंट देने की जरूरत नहीं है। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? उपलब्धियां, भत्ते, विशेष उपलब्धियां मतलब भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते, उपलब्धियां जो भी होंगी, जो भी भत्ते होंगे, जो अलाउंसेस मिलते हैं उनको भत्ते मतलब अलाउंसेस, उसकी प्राप्ति मतलब उनके जो कार्य के ड्यूरेशन है, टेन्यूर है, उसके दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब राष्ट्रपति की बात करते हैं। वेतन, राष्ट्रपति का वेतन और पेंशन जो होता है, क्या कितना इनको मिलता है वेतन और पेंशन। अगर हम बात करें 2018 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 5,08,000 रुपए प्रति माह कर दिया। कितना कर दिया है? 5,08,000 रुपए प्रति माह कर दिया है।
इसके पहले वर्ष 2008 में राष्ट्रपति की पेंशन 3 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर उनके प्रति माह के वेतन का 50% कर दिया गया है। मतलब अब जो राष्ट्रपति का जो भी सैलरी होगा, जो भी उनको प्रति माह मिलेगा, उनका जो वेतन मिलेगा उसका 50%, 50% उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को पूर्ण सुसज्जित आवास, जो राष्ट्रपति पहले रह चुके हैं उन्हें एक वेल फर्निश्ड घर, होम, सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा मतलब मेडिकल, यात्रा यानी ट्रेवल की सुविधा, सचिवालय स्टाफ मिलेगा मतलब सिक्योरिटी वगैरह मिलता है उनको, एवं 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक कार्यालयीन खर्च के लिए मिलता है। ठीक है, 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है कार्यालयीन के खर्च के लिए दिया जाता है उनको। राष्ट्रपति के निधन के बाद उनकी पत्नी, या अगर राष्ट्रपति कोई लेडी है तो उसके पति, या राष्ट्रपति को मतलब जेंट्स है तो उनकी पत्नी को, पति या फिर पत्नी को, यहाँ पत्नी लिखा, माफ कीजिएगा, ये पत्नी लिखा हुआ है, तो एक पत्नी को परिवार पेंशन मिलती है, जो कि राष्ट्रपति को जो मिलने वाली जो पेंशन थी, अगर राष्ट्रपति को जो पेंशन मिल रहा है, सपोज कर राष्ट्रपति का सैलरी अभी 5 लाख रुपए 8,000 है, तो उस टाइम राष्ट्रपति को मिलेगा 2,54,000, 2,54,000 का आधा मिलेगा उनकी पत्नी को। ठीक है, तो वो पेंशन जो मिलता है उसका आधा उनकी पत्नी को दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें पूर्ण जो उनकी पत्नी होती है उन्हें भी वेल फर्निश्ड पूर्ण सुसज्जित घर मिलेगा, फोन की सुविधा मिलेगी, कार मिलेगा, मेडिकल यानी चिकित्सा की सुविधा मिलेगी, ट्रैवल यानी यात्रा की सुविधा मिलेगी, सचिवालयीन स्टाफ मिलेंगे, एवं 20,000 रुपये प्रति वर्ष तक कार्यालयीन खर्चे मिलेंगे। राष्ट्रपति को 1 लाख मिलते थे, इनकी पत्नी को यहाँ पे मिलेंगे 20,000 रुपये प्रति वर्ष। इसको ध्यान रखिएगा कि उनकी उनका वेतन कितना है, उनको पेंशन कितना दिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदावधि एवं महाभियोग और पद को रिक्तता। राष्ट्रपति की जो पदवी होती है टेन्योर, पदवी मतलब होता है टेन्योर, क्या बोलते हैं हम लोग, टेन्योर, जब तक वो अपने पद पे बने रहते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक मानी जाती है, मतलब जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया, शपथ लिया, उससे 5 वर्ष तक का उनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, हालांकि ये अपनी पदवी में यानी वो अपने कार्यकाल में किसी भी समय अपना त्यागपत्र यानी रेजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने से पूर्व, मतलब या तो वो रेजिग्नेशन लेटर देके भी हट सकते हैं, या उनका कार्यकाल, उनका टेन्योर पूरा होने से पहले भी उन पे महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी उसका उत्तराधिकारी है, जो भी राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा राष्ट्रपति के बाद, अगर राष्ट्रपति अपने उनका टेन्योर खत्म हो गया है और अभी तक राष्ट्रपति का नेक्स्ट चुनाव नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति उस पद पर अपने पद के जो कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद भी पद पे बने रह सकते हैं। ठीक है, उस पद पे वो पुनः निर्वाचित भी हो, रीइलेक्ट भी हो सकते हैं, और ये भारत में कितनी बार होगा इसका कोई लिमिट नहीं है, भारत में नो लिमिट है, याद रखिएगा, भारत में नो लिमिट है राष्ट्रपति के लिए। लेकिन वहीं पर यूएसए और अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पर 2 टाइम्स है। ठीक है, अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 टाइम्स के लिए होता है, वो भी 4 साल के लिए, एक टाइम जो होता है, एक टेन्योर होता है उनका 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स इंटू 2। अब भारत में जो भी होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है और नो लिमिट। ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत में नो लिमिट्स है और अमेरिका में 2 टाइम्स के लिए 4 ईयर का टेन्योर होता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, जो प्रोसीड्योर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, वो कैसे होता है। महाभियोग का मतलब होता है हटाना, कि क्या होता है, जो इसका वर्णन किया गया आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है, हटाना कैसे इसको हटाया जाएगा। अब राष्ट्रपति एक बहुत ही सर्वोच्च पोस्ट होता है, जो राष्ट्र के सबसे प्रथम व्यक्ति होते हैं, सबसे सर्वोच्च पोस्ट यही होता है राष्ट्रपति का होता है, तो इनको हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान का जो उल्लंघन है इस वाक्य को कहीं भी परिभाषित नहीं किया है। चलिए, महाभियोग कैसे करेंगे। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं, मतलब महाभियोग का जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है ये लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है। इसमें करना क्या होता है, इन आरोपों पर सदन के एक चौथाई मतलब 1/4, जिस मतलब की अगर लोकसभा में किया जा रहा है, अगर सपोज करें लोकसभा में ये स्टार्ट किया गया, तो वहां के एक चौथाई सदस्य का, कितने, 1/4 के सदस्यों का
क्या होगा, जिस सदन ने आरोप लगाए हैं, मतलब अगर लोकसभा में आरोप लगाया तो वहां, राज्यसभा में आरोप लगाया तो वहां, तो हम अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जहां पे आरोप लगाया गया है कि हस्ताक्षर होने जरूरी, 1/4 लोगों का जो टोटल सदस्य है उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। अगर किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा और 14 दिन की उनको नोटिस देनी चाहिए, ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत, यानी 2/3 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात ये दूसरे सदन में चला जाएगा। अगर ये लोकसभा से पारित हो गया है 2/3 से, तो ये राज्यसभा में चला जाएगा, और राज्यसभा में अगर 2/3 से पारित हो गया तो क्या होगा, राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा, ठीक है। 2/3 से पारित होने के पश्चात ये दूसरे सदन में भेजा जाएगा, जिसे इन आरोपों की जांच करनी होगी, करनी चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने, मतलब जिस भी सदन में ये जाएगा पास होके, वहां पे राष्ट्रपति राष्ट्रपति अपने महाभियोग की प्रक्रिया में उपस्थित हो सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 मत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उस पद से हटना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर लोकसभा में भी 2/3 से पास हो गया और राज्यसभा में भी जाके 2/3 से पास हो गया, तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन एक और प्रोसेस है कि राज्यसभा में अगर ये गया, यहाँ आरएस मतलब होता है राज्यसभा, हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यहाँ पे लोकसभा मतलब एलएस मतलब लोकसभा। अगर लोकसभा से 2/3 सदस्य से पास हो गया है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में अपने जो भी उनके मतलब चाहने वाले हैं, अपने कवर के लोगों को वहां पे वो मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं नॉमिनेट कर सकते हैं, और ये 2/3 की जो श्रृंखला है इसको खत्म कर सकते हैं और अपने प्रति महाभियोग की प्रक्रिया को तोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो राज्यसभा में अपने जो भी कुछ सदस्य होता है उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, अगर राज्यसभा में कुछ जगह खाली है और जो भी 12 सदस्य को वो नॉमिनेट कर सकते हैं, तो वो वहां पे नॉमिनेट करके कि ताकि ये 2/3 ना पूरे और ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी ना हो और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ना हो और राष्ट्रपति को ना हटाया जाए, तो ये भी एक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अगर ये नहीं हो सका तो राज्यसभा में 2/3 लोकसभा में 2/3, और अगर राज्यसभा में 2/3 दोनों सदनों में अगर 2/3 2/3 से पास हो गया, तो राष्ट्रपति को पुनः अपने पद से हटना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति पुनः अपने पद से स्वयं ही हट जाएंगे। आगे देखते हैं, इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में दो बातें ध्यान देने योग्य है। पहला क्या है, सबसे पहली बात इसमें क्या ध्यान देने योग्य है कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग लेंगे। आप देखते होंगे कि मैंने बताया था कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति का महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट होता है, तो वहां पर नामांकित सदस्य भी भाग लेते हैं, मतलब कि निर्वाचित प्लस नामांकित, मतलब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, मतलब टोटल सदस्य भाग ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो क्लॉज इसमें बताया गया है, दूसरा क्लॉज क्या बताता है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जैसा दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। आपने उस टाइम पढ़ा था कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग ले रहे थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम में लेंगे, निर्वाचन के टाइम में लेंगे। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा तो महाभियोग के समय में जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेंगे, ठीक है, वो भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के इस महाभियोग में प्रस्ताव भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था। मतलब सिंपल सी बात है कि इस चुनाव में, इस महाभियोग में सिर्फ और सिर्फ संसद ही प्रोसेस करेगा। कौन प्रोसेस करेगा? संसद ही प्रोसेस करेगा, ठीक है। संसद संसद के लोकसभा प्लस राज्यसभा राज्यसभा दोनों सदनों के टोटल सदस्य कितने? कुल सदस्य। इसमें कुल सदस्य भाग लेंगे, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में, किसमें लेंगे? महाभियोग की प्रक्रिया, सिर्फ और सिर्फ संसद भाग लेगा महाभियोग की प्रक्रिया में, राज्य विधानसभा पुडुचेरी दिल्ली कोई भी भाग नहीं लेगा। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर भारत में महाभियोग नहीं चलाया गया है, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, ठीक है। इसके हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के पद की जो रिक्तियां होती है, जो खालीपन होता है, उसको कैसे फिल किया जाता है। ये 5 वर्षीय
कार्यकाल समाप्त होने पर किया जाता है, या उसके त्यागपत्र देने पर, मतलब अगर राष्ट्रपति रेजिग्नेशन दे दे तो भी हो सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर, जो मैंने आपको बताया कि महाभियोग की प्रक्रिया, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, तब भी उनका पोस्ट, उनका पद खाली हो जाता है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, अन्यथा यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हता ना हो अथवा निर्वाचन अवैध हो, मतलब अगर उन्हें अर्हताओं को, एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं किया है, या फिर उनका जो निर्वाचन है वो अवैध घोषित हो गया हो, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त माना जाएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होने के कारण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होगा, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है, राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो गया, चाहे कंडीशन जो भी हो, चाहे वो उन्होंने उनका 5 वर्ष पूरे हो गए हो, चाहे उनकी मृत्यु हो गई हो, चाहे वो उनको महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो, चाहे उनका इलेक्शन जो निर्वाचन था वो अवैध घोषित कर दिया गया है, किसी भी कंडीशन में अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद ग्रहण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे तो उस पोस्ट पे उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करेंगे। ठीक है, और उसी तरह से फिर जैसे राष्ट्रपति ने ओथ लिया था, शपथ लिया था, शपथ को ग्रहण करेंगे। ठीक है, दूसरा है यदि राष्ट्रपति उसका पद, उसकी मृत्यु, राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, मतलब अगर कुछ भी होता है, मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन होता है, तो within 6 month, कितना, 6 महीने तक के अंदर में, 6 माह के अंदर में चुनाव कराना होता है। कितना दिन में, 6 माह के अंदर में चुनाव कराना होता है। हम लोग लास्ट में देखते हैं, सबसे लास्ट में क्या है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, यदि अगर उपराष्ट्रपति का ये पद रिक्त हो तो क्या होगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उस समय में उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, हमारे राष्ट्रपति का देहांत हो गया, कुछ भी घटनाएं हो गई, उनपे महाभियोग हो गया, और उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो क्या होगा कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो न्यायाधीश होंगे वो उस पोस्ट को ग्रहण करेंगे। ठीक है, अगर वो भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे, जो जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो उस पोस्ट को ग्रहण करेंगे। ठीक है ना, इस कंडीशन में कौन ग्रहण करेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब है जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आते तब तक वो उस पोस्ट पे कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति के रिगार्डिंग इतने ही क्वेश्चन है, और जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति का फिर उपराष्ट्रपति है, अटॉर्नी जनरल है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग उसको अलग अलग सेट में लेके आएंगे। ये पार्ट 1 था, इसके अलावा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आता रहेगा। तो आप इसको कनेक्ट रहने के लिए इस चैनल पे जुड़े जरूर रहिएगा, और आप इस जो भी कंटेंट है, जो भी आपने पढ़ा है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो हम मिलते हैं एक फिर नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।